beauty. That's gone. Probably all the way. Is it? Finishes it with a six. Pakistan win the series 2-1. What a remarkable comeback. Assalamu alaikum. मेरा नाम डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी है और मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं कुछ बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कई सालों के बाद जीत की, जिस पर पूरी कौम बहुत खुश है। अभी चंद हफ़्तों पहले पाकिस्तान की हार के बाद रमीज राजा साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम को किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। क्रिकेट में हार जीत हमारी पूरी कौम की नफ्सियात पर बहुत असर डालती है। क्रिकेट में हार से कौम के अंदर उदासी और नाखुशी के जज्बात मरतब होते हैं, जबकि जीत से पूरी कौम में मोटिवेशन बढ़ जाती है। पूरी कौम अपनी टीम के साथ खड़ी हो जाती है। क्रिकेट में हार से डिप्रेशन बढ़ जाता है, जबकि क्रिकेट में जीत से पूरी कौम के अंदर एक नई उमंग बेदार हो जाती है। इसकी मिसाल अरशद नदीम की पाकिस्तान के लिए 40 साल के बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का हासिल करना है। एक साइकाइट्रिस्ट होने के नाते मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के खेल से हम पूरी कौम को यकजा कर सकते हैं। क्रिकेट में कामयाबी से हम पूरी कौम में नई उमंग बेदार कर सकते हैं और हर रंग, नस्ल और फिरके से बालातर होकर पाकिस्तान की सिर्फ एक आवाज़ बनकर उभर सकते हैं। मेरी और पूरी कौम की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।